हेलो दोस्तों, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट फेस मॉइस्चराइजर के बारे में। अब आप सोचेंगे कि फेस मॉइस्चराइजर बॉडी मॉइस्चराइजर से अलग होता है। जी हाँ, फेस के लिए अलग से मॉइस्चराइजर आता है और बॉडी लोशन अलग होता है, क्योंकि दोनों में जो है जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है वो अलग अलग होता है। उसका कारण ये है कि हमारे चेहरे की जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है और हमारे बाकी शरीर की जो स्किन होती है वो चेहरे की कंपेयर में जो है थोड़ी मजबूत होती है। इसीलिए जो है चेहरे के लिए अलग से फेस मॉइस्चराइजर मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे सबसे अच्छा लगता है बायोटेक का ये मॉर्निंग नेचर फेस लोशन। ये इस तरह की पैकिंग में आता है और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये सभी स्किन टाइप को सूट करता है और इसमें सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब सारे आयुर्वेदिक चीज़ों से बना हुआ है ये फेस लोशन। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। ये आपको कुछ 199 रुपीज़ में मिलता है। इस पर प्राइस भी दी हुई है और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं, मतलब इसकी पैकेजिंग में सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं इसे बनाने के लिए किन किन आयुर्वेदिक और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ ये सनस्क्रीन के रूप में भी काम करता है। धूप में निकलने से पहले अगर आप ये मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पे और अपने गले पे लगाते हैं तो ये एक सनस्क्रीन का भी काम करता है। आप इसे मेकअप करने से पहले लगा सकते हैं। लंबे समय तक टिकता है ये। अगर आप एक बार इसे अपने चेहरे पर लगा देंगे तो आपको ड्राइनेस बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी अपने चेहरे पर। इसीलिए मुझे ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी पसंद है अपने चेहरे के लिए। और इसकी खास बात है कि ये आयुर्वेदिक है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। इससे आपको जो है, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो कुछ चीज़ें सूट नहीं करती हैं, कुछ तरीके के प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं, तो इस मॉइस्चराइज़र से आपको वो सारी दिक्कतें नहीं होंगी। इसीलिए मैं बायोटिक मॉर्निंग नेस्टर का इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे पर। अब मैं आपको एक बार बता दूंगी इसमें इंग्रेडिएंट्स जो उन्होंने डाले हैं, जो भी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो क्या क्या हैं। इसमें है घृत कुमारी पल्प, उसके बाद इसमें है मेथी सीड्स मतलब मेथी दाना, मधु मतलब शहद, उसके बाद है अंकुरित गेहूं, साथ ही में इसमें है कुसुम्बी ऑयल मतलब कुसुम्बी तेल, चिनाई घास, मूंगफली ऑयल मतलब मूंगफली का तेल इसमें है, और साथ में इसमें मिक्स करते हैं प्यूरिफाइड वाटर। तो इन सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स से ये मॉइस्चराइज़र बनता है। इसमें शहद का भी इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए ये आपको एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपकी त्वचा जो है, आपके चेहरे की त्वचा जो है वो शाइन करती है ये लगाने के बाद। लंबे समय तक टिकता है, अफोर्डेबल है और इजी टू कैरी है। इसमें छोटी पैकेजिंग भी आती है, इसमें छोटी बॉटल भी अवेलेबल है, तो आप इजीली इसे कैरी कर सकते हैं अपने पॉकेट में या अपने पर्स में। और मेकअप के पहले इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मेकअप निकालने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन को कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ आपके चेहरे के लिए बायोटेक मॉर्निंग नेस्टर। आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो आपके लिए, फेस लोशन कौन सा सबसे अच्छा है तो वो है बायोटेक मॉर्निंग नेस्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।